नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द बेंचेज ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। अ बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट्स अ मैमथ सिक्सर। द बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। इस क्वेश्चन का मैंने एक डायग्राम भी बना लिया है, बुक में तो नहीं दे रखा था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा क्रिकेट का स्टेडियम है, ये यहाँ पे इस साइड जो हो गया, और जो ब्लू से मैंने दिखाया है ये मेरा बेंच है जिस पर लोग बैठते हैं। बैट्समैन यहां पर है, बैट्समैन की, और बैट्समैन ने यहां से एक सिक्सर हिट किया है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट है 1 मीटर। तो जहां पे बॉल हिट हो रहा है बैट से और जहां से उसका प्रोजेक्टाइल मोशन जो स्टार्ट हो रहा है, ये हाइट है 1 मीटर। अब यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होकर ये जाएगा और जाकर कहीं पे ये गिरेगा किसी भी बेंच पे, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी दे रखा है मैं 35 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल भी दे रखा है, ये 53 डिग्री का ये एंगल यहां पर बना रहा है। तो अब हमें बताना है कि किस बेंच पर ये गिरेगा। तो ये बॉल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका मोशन, और इसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और ये जो एंगल है ये कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल। अब क्योंकि सारा मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इस पॉइंट को ही ओरिजिन अपना मान लेता हूं, यानी कि मेरा ये ओरिजिन ये है, इसको मैं जो भी मेरा हाइट 1 मीटर पे है ये मेरा 0 0 पॉइंट हो गया, दैट इज ओरिजिन ऑफ माय मोशन। यानी कि अब मैं सारा इक्वेशन जो लिखूंगा वो इस पॉइंट के रेफरेंस से लिखूंगा, और उसके बाद ये बॉल जाकर कहीं पे गिरेगा। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनता है उसको भी डिराइव करता हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो क्या हो जाता है, वी कॉस थीटा इंटू टाइम टी होता है, और साथ ही साथ जो उसका वाई डिस्टेंस जितना कवर हुआ वो क्या होता है, वी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, साइन थीटा इंटू टी यहां छूट गया था। अब इस दोनों इक्वेशन से अगर आप टी को एलिमिनेट करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज आ जाएगी। टी को लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी कॉस थीटा, यहां से टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी कॉस थीटा अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारे बुक्स में इस इक्वेशन को डिराइव भी करते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला। दैट इज किसी भी पॉइंट पे अगर मेरा पॉइंट सपोज एक्स और वाई है, उस ट्रेजेक्ट्री का एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो वो एक्स और वाई जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वेयर वी इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज बींग थ्रोन। तो इस इक्वेशन का मतलब यह हुआ कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई अगर आप उस पैराबोला के ट्रेजेक्ट्री में लेते हैं तो ये जो एक्स वाई है वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अब हमें पता करना है इस क्वेश्चन में कि ये किस जगह पर इस जो स्टेयर केस जो बना हुआ है, जो बेंचेज है उसको कहां पे वो हिट करेगा। तो उसके लिए देखिए हमें क्या दे रखा है कि ये जो मेरा पहला बेंच है वो कितने डिस्टेंस पे है, 110 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि ये पूरा 110 मीटर हो गया। इसके बाद क्या है, हर बेंच की विड्थ 1 मीटर है और हाइट भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इस तरह करके जो विड्थ भी 1 है हाइट भी 1 है। तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट से, मतलब जो फर्स्ट आपका जो बेंच है उससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें 45 डिग्री का, तो ये सारे जो बेंचेज हैं उसको कॉर्नर पे टच करता हुआ जाएगा। तो यहां से जो फर्स्ट मेरा बेंच है, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं 45 डिग्री पे, तो वो लाइन क्या होगा, वो सारे बेंचेज के कॉर्नर को टच करता हुआ जाएगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि सबकी जो विड्थ है वो भी 1 है, हाइट है वो भी 1 है। अब उस लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या फायदा होगा, उस लाइन ड्रॉ करने से फायदा यह होगा कि मैं फाइंड कर सकता हूं कि उस लाइन और इस ट्रेजेक्ट्री का इंटरसेक्शन कहां पर है, कहां पे वो दोनों मीट कर रहा है, और जहां पर वो मीट करेगा उससे मैं फाइंड कर लूंगा कि किस बेंच पे मेरा वो बॉल फाइनली गिरेगा। देखिए मैं इसको दोबारा समझाता हूं। सपोज यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन और ये जो बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो सपोज कहीं पर जाकर मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिलेंगे
तो मैं बता सकता हूं कि वो कहां पर, वो अगर वो यहां पर मिल रहा है इसका मतलब ये सेकेंड वाला जो बेंच है उस पर गिरेगा। अगर सपोज मेरा ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होता कि वो ऐसे जाकर यहां पर मिलता और यहां गिरता, तो मैं बता सकता कि ये मेरा जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेंच पर जाकर गिरेगा। तो इस लाइन को बनाने से हमें ये फायदा हुआ कि अब मैं फाइंड कर सकता हूं कि इस लाइन का और इस ट्रेजेक्ट्री जो पैराबोला है उस बॉल का, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा। एक बार जब मैंने मीटिंग पॉइंट फाइंड कर लिया तो मैं बता सकता हूं कि वो जो बॉल है फाइनली किस बेंच पर जाकर गिरेगा। तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो देखिए। ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, 110 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ा हुआ है और मेरा 0 0 यहां पर है। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या है, गया ये होगा 110 एंड 0। तो ये जो इक्वेशन आपका लाइन का बनेगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 110। ये समझ में आया ये इक्वेशन क्यों बनेगा। अगर ये 110 पे नहीं होकर अगर आप 0 0 से कोई लाइन स्टार्ट करते 45 डिग्री पे, तो क्या बनता, y इज इक्वल टू x बनता, क्योंकि ये जो मेरा लाइन है 110 मीटर टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस्ड है, ये यानी कि ये 110 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 110। ये समझ में आ गया, ये है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 110 इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस वाई को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इन एक्स, और उस एक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा कि ये बॉल और ये लाइन कहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 110 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इस y को मैं बीच से निकाल देता हूं, तो हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x माइनस 110 इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ दिस थिंग। इसमें सारा नोन है, v भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री दे रखी है। तो tan 53 कितना होता है, tan 53 होता है 4/3। उसी तरह मैं सेक्स स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन में एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट दिस एक्स। तो जब आप इस एक्स को सॉल्व करेंगे तो सपोज आपको एक्स आता है, कुछ भी आएगा, सपोज आपको आता है 115.9 मीटर्स आता है, तो एक्स 115 सपोज अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 110 से स्टार्ट करें, 110 और 111 के बीच में आता तो इसका मतलब ये फर्स्ट बेंच पे जाता, क्योंकि ये क्या है 111 पे होता। 111 और 112 के बीच में अगर आपका x की वैल्यू आती इसका मतलब आप सेकंड बेंच पे गिरते। तो उसी इक्वेशन को आप आगे बढ़ते जाएं कि 110 से 111 के बीच में अगर आपका सोल्यूशन आए तो आप फर्स्ट बेंच पे गए, 111 और 112 के बीच में अगर आप x की वैल्यू है तो आप सेकेंड बेंच पे गए, 112 से 113 के बीच में है इसका मतलब आप थर्ड बेंच पर फॉल करेंगे, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाएं। अब इस तरह का क्वेश्चन इतना लेंदी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला जिसमें लेंदी कैलकुलेशन हो आईआईटी जेई में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट को यूज किया है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज किया है कि आप जो बॉल जिसको आप हिट कर रहे हैं उसका आप इक्वेशन लिखें, उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखें, वो क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ दिस थिंग। उसके बाद आपका जो बेंच और जो स्टेयर केस बना हुआ है उसका एक जो एनवेलप कह सकते हैं जो उसको ऊपर ऊपर कवर कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन लिखें, और आप देखें कि ये ट्रेजेक्ट्री और ये लाइन दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इन दोनों का सोल्यूशन जहां पर होगा उससे आप x फाइंड कर लें, x की जो वैल्यू होगी उससे फाइंड हो जाएगा कि आप किस बेंच पे फॉल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये 110 से 111 के बीच में है इसका मतलब यहां से यहां के बीच में कहीं आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप फर्स्ट बेंच पे जा रहे हैं। अगर ये 111 से 112 के बीच में है इसका मतलब आप यहां और यहां के बीच में हिट कर रहे हैं, इट मींस यू आर फॉलिंग ऑन द सेकेंड बेंच। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका कुछ आंसर आएगा, और उस आंसर को आप देखें कि ये वो किस वाले वैल्यू के बीच में आ रहा है, और जिसके वैल्यू के बीच में आ रहा है उससे आपको ये आ जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या किस बेंच पे आप फॉल कर रहे हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो आएगा कि आप सिक्स्थ बेंच पे फॉल कर रहे हैं। तो ये इतना कैलकुलेशन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब आईआईटी में इस तरह के लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो अच्छा है।